पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों में कोरोना संक्रमण के भय को लेकर सरकार का महत्वपूर्ण रुख सामने आया है। उद्योगपतियों के इस डर को लेकर सरकार ने कहा है कि यदि उद्यमी पूल बनाकर प्रस्ताव दे तो सरकार इन प्रवासी श्रमिकों के कोरोना टेस्ट कराने को तैयार है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने CII की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में यह घोषणा की। सिंह ने उद्यमियों को सलाह दी कि वे बाहर से आए श्रमिकों और पहले से काम कर रहे श्रमिकों को कम से कम 10 से 14 दिन तक अलग रखें। इंजीनियरिंग क्षेत्र में त्वरित नौकरियों के लिए अब कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी चलेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक एमटेक की पढ़ाई के साथ वोकेशनल की शुरुआत होगी। यह कोर्स राजस्थान IELD कौशल विश्वविद्यालय ने तैयार किए हैं। सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 60,000 सीटें हैं। रोजगार की अच्छे अवसरों के बावजूद यहां बीटेक और एमटेक स्तर पर पारंपरिक कोर्स ही संचालित है। अगली बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय की ओर से राजधानी के बुजुर्गों की मदद के लिए संरक्षित दादा दादी नाना नानी नाम से हेल्पलाइन शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन निर्मल पंवार ने बताया कि कोरोना काल के दौरान शहर के वरिष्ठ नागरिक दादा दादी नाना नानी को कोई परेशानी नहीं हो, विश्वास का सहारा थीम पर शुरू की गई इस हेल्पलाइन के तहत लॉग इन कर सभी 7 दिवस के दौरान कभी भी दवा, भोजन या अस्पताल में दिखाने के लिए मदद प्राप्त की जा सकती है। उदयपुर जिले में बुधवार को 2 नए पॉजिटिव मिले। इनमें से एक खरका और एक सलुम्बर क्षेत्र के सेरिया का है। ये दोनों मुंबई से लौटे हैं और इसके साथ ही उदयपुर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 568 हो गई है। उदयपुर COVID-19 के संक्रमण को झेलते हुए लोगों का उपचार करते हुए महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के करीब 950 चिकित्सा कर्मी 60 दिन में क्वारंटीन किए गए हैं। बीकानेर में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के बावजूद COVID-19 से जुड़े कार्यों को पूरा कर रहे BLO में समस्याओं को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। समस्याओं से आक्रोशित BLO ने घर घर राशन सर्वे एवं राशन वितरण कार्य करने से मना कर दिया है। बुधवार को बीकानेर BLO संगठन के बैनर तले BLO में नगर निगम में आयुक्त कक्ष के आगे विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सुपरवाइजरों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किशनगढ़ एयरपोर्ट से बुधवार को हैदराबाद अहमदाबाद के साथ ही दिल्ली की फ्लाइटों ने उड़ान भरी। केवल हैदराबाद की फ्लाइट में यात्री भार ठीक है, जबकि दिल्ली और अहमदाबाद की फ्लाइटों में यात्री भार अभी भी कम है। जहां हैदराबाद की दोनों तरफ की फ्लाइटों में 132 यात्रियों ने हवाई सफर किया और वहीं दिल्ली की फ्लाइटों में 57 और अहमदाबाद की फ्लाइटों में मात्र 16 यात्रियों ने हवाई सफर किया। राजस्थान में राजधानी जयपुर और अजमेर सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति करने वाले बिसलपुर बांध में वर्तमान में 313.34 RL मीटर पानी है। इससे गर्मी में पेयजल संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। अजमेर जलदाय विभाग अधीक्षण अभियंता CL जाटव ने बताया कि बिसलपुर बांध में अपनी भराव क्षमता 315 RL मीटर के मुकाबले वर्तमान में 313.34 RL मीटर पानी है, जो कि पर्याप्त है। भारतीय रेलवे ने 3 जून 2020 सुबह 10 बजे तक देश भर में 4,197 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया और 1 मई से अभी तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 58 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया गया। सिर्फ मई में ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर लिपिक गेट द्वितीय भर्ती परीक्षा 2018 में ST/ST का बैकलॉग जोड़ने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बगरू विधायक श्रीमती गंगा देवी, जमवा रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा, बामनवास विधायक श्रीमती इंद्रा मीणा, चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, निवाई विधायक श्री प्रशांत बैरवा आदि उपस्थित थे। राजस्थान आवासन मंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों और आमजन को बड़ा तोहफा देते हुए जयपुर के प्रताप नगर में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना और प्रदेश के 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लॉन्च करने का निर्णय लिया। इन योजनाओं की लॉन्चिंग 1 माह के भीतर मुख्यमंत्री के स्तर पर करवाई जाएगी। आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति का सपना है कि उसका अपना घर हो। इसके लिए इस सपने को साकार करने के लिए मंडल द्वारा प्रत्येक वर्ग की जरूरतों के हिसाब से उचित कीमत पर आवासीय योजना तैयार की गई है। आमजन के घरों की जरूरतों को देखते हुए आवासन मंडल द्वारा 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएगी। यह योजनाएं जयपुर के सिरोली, वाटिका, महल,
यह योजनाएं जयपुर के सिरोली, वाटिका, महला, शाहपुरा, उदयपुर के दक्षिणी विस्तार एवं देवारी, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, टोंक के निवाई, सिरोही के आबू रोड, अजमेर के नसीराबाद, किशनगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लॉन्च होगी। इन योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग ब, मध्यम आय वर्ग अ व उच्च आय वर्ग के लिए कुल 11,250 आवास उपलब्ध होंगे। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। कोरोना पॉजिटिव मामलों में हमारे यहाँ सैंपलिंग बेहद कम हो रही है। जयपुर और जोधपुर के बाद भले ही प्रदेश में हमारा तीसरा स्थान है, लेकिन इन दोनों शहरों की तुलना में हमारे यहाँ कोरोना की जांच काफी कम हो रही है। प्रदेश में कुल 9,475 मामलों में से अकेले जयपुर के खाते में 2,097 केस हैं, जबकि जोधपुर 1,606 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। उदयपुर पॉजिटिव केसों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।